नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी एक ट्रेन में कटी हुई महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल इस पूरे मामले की सूचना जैसे ही जीआरपी पुलिस को मिली, जीआरपी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के एम्बर अस्पताल भेजा, तो वहीं पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पूरा मामला इंदौर के जीआरपी थाना क्षेत्र के रेलवे यार्ड का है। बताया जा रहा है कि महू से रात तकरीबन 10 बजे एक ट्रेन आकर यार्ड में खड़ी होती है और सुबह 8 बजे नागदा के लिए निकलती है। अतः रोजाना की तरह महू से रात 10 बजे ट्रेन जाकर यार्ड में खड़ी हो गई और सुबह उसकी सफाई करने के लिए जब रेलवे का कर्मचारी पहुंचा तो सीट के नीचे एक बैग और बोरे में कटी हुई लाश मिलने की सूचना सफाई कर्मी ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि एक बैग के अंदर महिला के ऊपर के अंग, जिसमें हाथ व अन्य शरीर के अन्य टुकड़े भरे थे, तो वहीं दूसरे बोरे में हाथ और नीचे का धड़ भरा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों बैगों को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए एम्बर अस्पताल पहुंचाया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पूरे ही मामले में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, साथ ही रेलवे यार्ड में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस को संभावना है कि किसी ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए इस यार्ड में इन दोनों बोरों को लाकर रख दिया है, तो वहीं ये वो संभावना जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर किसी यात्री ने दोनों बैगों को इस तरह से छुपा दिया और उसके बाद किसी स्टेशन पर उतरकर फरार हो गया। फिलहाल अलग अलग तरह से पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। की सूचना अपने सुपरवाइजर को दी, सुपरवाइजर ने स्टेशन मास्टर को इस बात की जानकारी दी। स्टेशन मास्टर द्वारा थाने पर इसकी सूचना दी गई थी। रात में लगभग 12 बजे जब मौके पर पहुंचकर सूचना पर इंस्पेक्शन किया गया तो उसमें किसी महिला की डेड बॉडी, चूँकि उसमें सिर दिख रहा था इसलिए महिला की डेड बॉडी होने की संभावना लगी। रात में पंचनामा कार्रवाई संभव नहीं थी इसलिए सुबह FSL अधिकारी मंडलोई साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय एस रेल मौके पर उपस्थित हुए और उनकी उपस्थिति में निरीक्षण करने के बाद में फिर जब पैकेट खोले गए, खोलने पर पता चला कि किसी अज्ञात महिला को दो पार्ट में, मतलब एक कमर से सिर तक का हिस्सा एक ट्रॉली बैग में था और एक दूसरा पार्ट जो है कमर से और घुटने तक का हिस्सा एक दूसरे प्लास्टिक की आटे की बोरी में पैक करके उसको अच्छे से रस्सी से बांध के और रखा गया था। महिला के दोनों हाथ जो शोल्डर्स के पास से हैं वो अभी उसमें बॉडी के साथ में नहीं मिले हैं और दोनों पैर के नीचे के घुटने से नीचे का जो पैर है वो भी गायब है। अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध में जाँच उपरांत 302 का प्रकरण कायम किया जाएगा। अभी कार्रवाई चल रही है और पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया जा रहा है। चूँकि कंधे से दोनों हाथ ही गायब हैं और दोनों पैर गायब हैं इसलिए न तो महिला की भी शिनाख्त हो पाई है और न ही उसमें कुछ ऐसे निशान मिले हैं जिससे किसी निष्कर्ष पर अभी पहुँचा जा सके। लेकिन चूँकि बॉडी दो पार्ट में है, काट के उसको पैक किया गया है, दोनों हाथ गायब हैं, दोनों पैर घुटने के नीचे से गायब हैं, इसलिए प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होता है। चूँकि बॉडी 2 से 3 दिन पुरानी है और थोड़ा सा डिकम्पोज हो चुकी है, बॉडी फूल गई है, इसलिए अनुमान ये है कि लगभग 20 से 25 साल की कोई महिला हो सकती है। ये महू से इंदौर पैसेंजर ट्रेन। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।